तो इसके बाद हम लोगों को कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी हमने कौन सा अलंकार देखा था, उपमा अलंकार, और अब हमको कौन सा देखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ध्यान से देखना, यदि हम लोग बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, 2020 में डायरेक्ट उत्प्रेक्षा का मतलब, सॉरी उत्प्रेक्षा का नहीं, वो तो आगे आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन टाइप होते हैं, वो अपने को वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार से भी क्वेश्चन बना है, लेकिन ध्यान से समझना। सबसे पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, उपमा अलंकार अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही अपने को रूपक और उत्प्रेक्षा में थोड़ा बहुत अंतर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक बात ध्यान रखना, उपमेय में ही उपमान की संभावना ढूंढ ली जाएगी। यहां एक वर्ड ध्यान रखना, संभावना, एक्चुअली वो ऐसा है नहीं, यहां संभावना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संभावना की। तो उपमेय में ही उपमान की संभावना मौजूद होगी या ढूंढने की कोशिश की जाएगी। देखो जरा इस अलंकार में क्या होगा, उपमेय में क्या कर रहा है, उपमान की संभावना का वर्णन किया जा रहा है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। हेतु उत्प्रेक्षा, पहली बात किसकी कर रहा है, हेतु उत्प्रेक्षा। दूसरी बात किसकी कर रहा है, वस्तु उत्प्रेक्षा। तीसरी बात किसकी कर रहा है, फलोत्प्रेक्षा। किसकी बात कर रहा है, फलोत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, बात समझ में आई। अरे यार क्या होगा, उपमेय में ही उपमान की संभावना ढूंढ ली जाएगी या उसी का वर्णन किया जाएगा, तीन टाइप का होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अपने को अच्छे से देखना है। लेकिन इससे पहले जब हम लोग बात करेंगे, पटवारी के टाइम पे खूब पढ़ाया था इसको, लेकिन क्या हुआ, बच्चों को ये मानो जनहू ही नहीं आ रहा था। अब ध्यान देना, इन पंक्तियों में अपने को क्या ढूंढना है, मानो, मानहू, मनु, जानो, जानहू, जनु, ज्यो, ये चीजें ऐसा लगता है, ये वाले वर्ड आपको ढूंढना है। जब भी कभी भी आपको मानो, जानू, जनहू, मनहू, ये सारी चीजें दिखेगी तो आपको समझ जाना यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, ये बात की बातें हैं। और जहां कहीं भी आपको मानो, मनु, संभावना है ना, मान लो कि वो करोड़पति निकल सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा आपने को, है ना, है नहीं वो, लेकिन निकल सकता है। अब ध्यान से सुनना, अब इसके एग्जांपल ध्यान से सुनना। पर एग्जांपल दे रखा ना, चलो देखो ध्यान से सुनना इसका। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो कौन सा वर्ड आया, ज्यो। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहला तो कंडीशन ये रखना है कि वर्ड क्या आया, ज्यो। तो ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो जो वर्ड आया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाद में देखेंगे वस्तु है, हेतु है, वो सब बात की बातें हैं, बात की बातें सारी, ये अपने को ध्यान रखना है ना। एक सेकंड रुकना, इसको बंद कर दें जरा, ये बेवकूफ बना रहा है। चलो, तो ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो जो वर्ड आया तो हम समझ गए यहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान से देखना, ये कनक का क्या मतलब निकल के आता है, धतूरा। कवि का कहना क्या पड़ रहा है कि धतूरे को ऐसे लेके चल रहा है, कौन लेके चल रहा है, भिक्षुक। धतूरे को ऐसे लेके चल रहा है कोई भिक्षुक, मानो सोना लेके जा रहा हो। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, मतलब वो धतूरा लेके जा रहा है साथ में, और उसको लग क्या रहा है कि ये क्या लेके जा रहा है, सोना। तो लेके क्या जा रहा है, लेकिन मान लो कि क्या है, सोना, ऐसा लग रहा है पर है नहीं। आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। आगे आएगा हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। तो पहली बात किसकी कर रहा है, वस्तु उत्प्रेक्षा की। दूसरी बात किसकी करेगा, हेतु। तीसरी बात किसकी करेगा, फल उत्प्रेक्षा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें क्या पैदा हो जाए, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको, लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से समझना। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत, ये कीवर्ड है, यही याद रखना अपनी कॉपी में, यही नोट डाउन करके रखना। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, क्या करना है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जा रही हो, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अप्रस्तुत जो प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा है, और अप्रस्तुत जो प्रेजेंट नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझना, अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देहे। इसका तने एग्जांपल बना लेना, अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देहे। अब मेरी बात यहां ध्यान से समझना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है यहां बात। ये कीवर्ड क्या याद रखोगे, प्रस्तुत में किसकी संभावना ढूंढ रहा है, अप्रस्तुत की। तो जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना ढूंढने का काम कर रहा है, संभावना दिखाई दे रही है। एग्जांपल समझना, अति कटु वचन कहत के कई,
कौन बोल रहा है? कटु वचन केकई बोल रही है। मानहु, पहली बात तो मानहु आया तो हमने समझ लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, बात की बात में बातें। मानहु लोन जरे पर देही, लोन मतलब क्या है? नमक। मान लो जैसे नमक अपन छिड़कते हैं किसके ऊपर? देह के ऊपर। जैसे अपन बोलते हैं ना जले पर नमक क्यों छिड़क रहा है, तो घाव होगा। ऐसा हुआ है क्या? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गाली देने का काम कर रहा है, किसी को कुछ बोलने का काम कर रहा है, कठोर वचन बोल, तो जहां पर प्रस्तुत जो चीजें थी उसने क्या करने का काम किया? उसको कड़वा बोलने का काम किया। लेकिन जो अप्रस्तुत है, जैसे किसी को अगर कट जाता है, जल जाता है और उस पर नमक लग जाता है, तो वो और क्या करता है? जलन मारता है। तो अति कटु वचन कह कह कही मानहु लोन जरे पर देही, जैसे आपने देह पर नमक छिड़क दिया हो। समझ में आया? तो जो प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत से जबरदस्ती संभावना लाने की कोशिश की जा रही है। एक और समझो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहते कहते उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। पहली बात क्या आ गया? मानो। तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। अब जिस तरीके से हिम के कण और वैसे ही उत्तरा के नेत्र, क्या बह रहा है उसमें से? जल बह रहा है। कैसे? जैसे हिम के कण जैसे, मान लेना। तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, तो उसके नेत्र क्या हो गए? जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नये। तो जैसे हिम के कण से निकल रहा है वैसे ही क्या हो रहा है? उत्तरा के नेत्र से जल निकल रहा है। समझ में आया? एक्चुअली वहां हिम के कण है क्या? नहीं। लेकिन मान लिया कि उत्तरा के नेत्र से जो जल बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, उसी को उन्होंने क्या मान लिया है। तो जो प्रस्तुत है उसी में क्या कर रहा? अप्रस्तुत की संभावना ढूंढने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? अब एक और एग्जाम्पल समझना जरा, इसका हो तो समझ लेते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहां देखना ध्यान से, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप परियों प्रभात। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो मैंने बात बोली यहां पर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब यहां क्या आ रहा? पीत पट आ रहा। पीत पट मतलब क्या होगा? पीले वस्त्र, पीतांबर। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, श्याम मतलब किसकी बात कर रहा है? कृष्ण भगवान की, है ना? ये ध्यान रखना। तो भगवान की बात कर रहा है, अगर नहीं भी समझ में आए तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, नहीं समझ में आए तो भगवान की बात कर रहा है। मानो, पहली बात तो मानो आ गया, वस्तु हेतु सब बात की बात है, पहले तो मानो आ गया, तो कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन यह वस्तु कैसे है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वस्तु उत्प्रेक्षा कैसे है? मानो नीलमणि सेल पर, तो नीलमणि के सेल पर आतप परियो प्रभात। प्रभात मतलब क्या होता है? सुबह। और परियो मतलब क्या होता है? सूरज। जिस तरीके से नीलमणि के ऊपर सूरज की लालिमा चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, मतलब पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि के ऊपर जो सूर्य की चमक होती है वो वैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो प्रस्तुत है उसको हम किससे कर रहे हैं? अप्रस्तुत की संभावना का वर्णन कर रहे हैं। तो यहां ध्यान देना, पीतांबर पहने हुए भगवान श्याम जो कृष्ण हैं, उनकी शोभा में नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल पड़ती हुई सूर्य की आभा की संभावना प्रकट की गई है। बात समझ में आई? तो गांव की भाषा में समझ में आया क्या? अब इसको एक और समझो, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरु तर की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। पहली बात तो वस्तु छोड़ दो, हेतु छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, सबसे पहले क्या ढूंढा हमने? मनु। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या समझ में आया? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर क्या लिखा? झीने पट में झुलमुली। झीने मतलब क्या? चदरिया, झीनी रे। गाना सुना होगा तुमने? नहीं सुना? सुना है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? झीने पट, इसका मतलब यह है ट्रांसपेरेंट, या ये कहें सेमी ट्रांसपेरेंट। तो झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, झलकती ओप अपार, ठीक है? वो पर्दे के बाहर देखो, कुछ कुछ दिखाई देगा तुम लोगों को। अब यहां देखें, सुर तरु की मनुसिंध में लस्ती सपल्लव डाक। तो अपने को क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो अब गांव की भाषा में इसको समझना, मान लो। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। तो सुर तरु, तरु मतलब क्या हो गया? पेड़। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से अपन क्या करते हैं, जो पट है अपने पास जीना, उसके पीछे झिलमिल झुलकती, ये बात कर रहा है। और ऐसे ही गांव की भाषा में निकालने की कोशिश करो, पहले तो समझो कि निकालना कैसे है। तो यहां क्या बोल रहा है वो, कि जीने पट में झुलमुली
झलकती ओप अपार, तो पीछे कुछ झलक रहा है, वैसे ही सिंधु नदी में कुछ झलक रहा है। अपने को यह समझ में नहीं आ रहा ना कि सपल्लव डार क्या है, लस्ती क्या है, सुरुतरु क्या है, तो सिंधु नदी तो समझ में आ रही ना। नदी के अंदर जब आप देखोगे तो कुछ नजर आएगा क्या, अपने को यह समझ के चलना है, बाकी चीजें बात की बात में। तो जो प्रस्तुत है उसकी तुलना किससे हो रही है, अप्रस्तुत से हो रही है। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे बाकी एक दो एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगला आता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार की यदि हम लोग बात करेंगे तो फलोत्प्रेक्षा अलंकार में सीधे सीधे यहां से निकालना, इसमें वास्तविक फल, जो वास्तविक फल है, एक्चुअली फल से ही याद रखना इसको, वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को क्या मान लिया जाता, फल मान लिया जाता है। जैसे अगर आपने MPPSC प्री निकाल लिया तो आप हमेशा अपने दिमाग में यह भ्रम पैदा कर लोगे कि मैं दुनिया का सबसे 30 मार्क आदमी हूं। ये देवास में बहुत बड़ा प्रचलन है, बहुत बड़ा प्रचलन है देवास में, इतना भयंकर लेवल का, या कई छोटे छोटे इलाकों में यही प्रचलन है। क्या कि अगर आपने प्री निकाल लिया तो आप अपने को 30 मार्क समझने लग जाओगे और आपको लगेगा कि यार मैंने सब कुछ कर लिया। तो आपके पास में जो चीज मौजूद है ही नहीं, आप सिलेक्ट हो गए क्या? इसके बाद मेंस बचा है, इंटरव्यू बचा है, मेरिट लिस्ट बची है और PSC का जो गोलमोल करने का रवैया वो बचा है अभी। तो अभी आपको उससे जूझना है। तो 2019 वाले लोग जो जूझ रहे थे, 2023 तक के अभी इंटरव्यू होने वाले, तो यहां क्या कहना चाह रहा है कि वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है। ध्यान से समझना, बढ़त ताड़ को पेड़, यह मनु चूमन को आकाश। ताड़ का पेड़ क्या हो गया, बढ़ते जा रहा ऊपर, और पहली बात तो मनु आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो बात की बात है कि वस्तु है, फल है और हेतु है, वो बात की बात है। यहां क्या लिखा हुआ, बढ़त ताड़ को पेड़, यह मनु चूमन को आकाश। क्या वो आकाश को चूम सकता है क्या? लेकिन हमने क्या मान लिया है, तो क्या हो गया, जो वास्तविक फल नहीं है उसी को हमने क्या मान लिया, फल। वास्तविक फल किसको माना, उसी को। प्री निकालने से व्यक्ति सिलेक्ट होगा क्या, तो क्या मान रहा है वो, अरे अपन तो महान आदमी है। अरे आप जब सिलेक्ट हो गए फाइनली तब जाके काम बनेगा ना। चलो, तब मुख समता लहन को मनु जल सेवत जल जात। अब यहां ध्यान देना, अब पहली बात तो क्या बोला, तब मुख समता लहन को मनु जल सेवत जल जात। पहली बात तो मनु आया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहां क्या लिखा, तब मुख समता लहन को, मतलब तब मुख लहत समता, समता मतलब क्या होता है, इक्वलिटी की बात कर रहा है। तब मुख समता लहन मतलब ऐसा समान बनाना तुम्हारा जैसा मुख, मनु जल सेवत जल जात। अब ये जल और सेवत जल जात, इसका मतलब ये है यहां पर कि तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए जो कमलो जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा, एक आदमी कमल और जल में वहां पर बैठा हुआ और क्या करने का काम कर रहा है, तपस्या करने का काम कर रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस तरीके की तपस्या करूंगा तो कमलो जल के समान मेरा क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, तो उसने वास्तविक मान लिया। हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता, तो उसने अवास्तविक फल को ही क्या मान लिया है, वास्तविक फल मानने का काम कर लिया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। ताड़ का पेड़ आसमान को चूम सकता है क्या, नहीं, और उसने क्या मान लिया, जल में तपस्या करने के कमल की तरह होगा क्या, नहीं। आगे आते हैं, बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरत के रज चूमने चाहे। बाजी बली रघुवंशिन के मनो, पहली बात क्या आया, मनो, मनो आया तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सूरज के रथ चूमने चाहे, अब कुछ भी बात चल रही है, रथ वगैरह हो गया अपने पास में, सूरज वगैरह हो गया, तो जो आदमी सूरज को चूमने की बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, रघुवंशिन, इसका मतलब रघु भगवान का जो रथ है, उसके जो घोड़े हैं, वो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि मान लो किसको चूम लेंगे, सूरज को। पर होगा क्या ऐसा, नहीं होगा। लेकिन हमने क्या मान लिया, मानो के सूरज के रथ को चूमने का काम कर रहे हैं, रघुवंश के जो बलवान घोड़े हैं वो सूरज के रथ को क्या करने का काम कर रहे हैं, चूमने की इच्छा से अवास्तविक उद्देश्य की ओर दौड़ रहे हैं। जबकि यहां पर सीधे फेकोलॉजी वाली बात आएंगी, ये बात अपने को ध्यान रखना है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ताड़ का पेड़ आसमान को छू सकता है क्या, पानी में तपस्या करने से कमल के समान मुख हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। रघुवीर के जो दो घोड़े दौड़ रहे हैं वो सूरज के रथ चूम सकते हैं क्या, नहीं। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास में है, दो एग्जाम्पल, तीन चार एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसकी इसकी और एक और बात कर लो ताकि अब तुम इसमें कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें दोनों अलंकार आएंगे। ये पूरा ऐसा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस तरनी तनुजा तमाल में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, बोलो जल्दी से, कौन सा अनुप्रास अलंकार है? अरे वृत्यानुप्रास है, छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, कौन सा है? कल ही तो पढ़ा। अरे गधे हो यार तुम लोग, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ता 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 आ रहा ना, कितनी बार तो आ रहा है, और वृत्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वृत्यानुप्रास।
तुम लोगों का क्या उद्धार करेगा आदमी बताओ। तुम इतना एग्जाम्पल ला ला के ढूंढ ढूंढ के फिर भी तुमसे तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुरे इतना घटिया एग्जाम्पल तुमसे याद नहीं हो रहा है। वृत्यानुप्रास है ना इसमें। तो अब यहां पर देखो ये वाला जो अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहां देखना, झुके कुल सो जल परसन हिल मनहु सुहाय। तो पहली बात तो क्या आ गया? मनहु आ गया। तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये झुके कुल सो जल परसन। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो हिल रहे हैं तो उसके जैसा होगा क्या? वो जल में जो चीज चल रही वैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वास्तविक फल है नहीं, लेकिन उसी को क्या कर लिया गया है? मान लिया गया है। चलो आगे बढ़ते। अब ये वस्तु हो गया, अब इसके बाद सॉरी फल हो गया, वस्तु भी हो गया, और इसमें एग्जाम्पल देख लेना हेतु अलंकार, सॉरी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है इसकी यदि हम लोग बात करेंगे, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार की यदि हम लोग बात करते हैं, तो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? जहां पर अहेतु में हेतु की संभावना तलाश रही है। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका 2020 में। संभावना देखी जाए अर्थात वास्तविक कारण को आप क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो और अन्य हेतु को मान रहे हो, मतलब अन्य हेतु को कारण मानने का काम कर रहे हो। तो हेतु का सामान्य अर्थ क्या होता है? कारण होता है। जो वास्तविक कारण है उसको छोड़ करके आप क्या जा रहे हो? दूसरी जगह। तो जहां पर अहेतु में हेतु की संभावना, इसका मतलब वास्तविक कारण को छोड़ करके जानबूझ के आप क्या कर रहे हो? दूसरे कारण को ढूंढ रहे हो। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का मुंह फूला रहता परमानेंटली, कुछ भी कर लो तो उनका मुंह फूल सकता है। अब उनका मुंह फूला किसी और कारण से, लेकिन कोई और कारण वो ढूंढ रहे हैं। उनका मुंह किस लिए फूला है? उनकी मानसिक बुद्धि के कारण, क्योंकि उनको किसी ने नहीं बोला मुंह फुलाने का, लेकिन फिर भी उनका मुंह फुला हुआ। तो और वो क्या करेंगे? रीजन ढूंढेंगे उसका। लेकिन रीजन कैसा? दूसरा ही और कोई रीजन। ध्यान से समझो, मनहू कठिन आंगन चली ताते राते पांव। तो पहली बात तो मनहू आ गया, तो हम क्या समझे? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहां पर क्या हो गया? ऐसा बोल रहा मनहू कठिन आंगन चली ताते राते पांव। अब ये पहली बात तो ध्यान से देखना, ऐसा बोलना चाह रहा है कि मनहू कठिन आंगन चली ताते राते पांव, मतलब उसने बहुत मेहनत करी है, इस वजह से वो बहुत कठिन मेहनत करने के बाद उसके पांव। एक्चुअली जो कुमारी होती है उसके जो पैर ये तलवे होंगे ये शुरू से ही गुलाबी होते हैं। ये शुरू से ही कैसे होंगे? गुलाबी होंगे। लेकिन उसको जानबूझ के बोल रहा है कि वो बहुत कठिन तपस्या करके आई और उसके कैसे हो गए? जबरदस्ती का, वो तो पहले से ही लाल है। समझ में आई बात? तो देखो, नायिका के पैरों के लाल होने का कारण जो है कठिन आंगन पर चलना माना है, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो सुकुमार स्त्री होती है उनके चरण स्वाभाविक रूप से ही कैसे होते हैं? लाल होते हैं। लेकिन जानबूझ के उसको बोलना चाह रहा, मान लो ऐसा है, क्यों मान लो जबकि पहले से ही है? तो इसका मतलब क्या हो गया? हेतु उत्प्रेक्षा। तो कारण जो है नहीं उसी को क्या बोल रहा है? कारण। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अब किसकी बात कर रहा है? घुंघराले बाल की बात कर रहा है। नील गगन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अब ध्यान देना, जो नव युवती है उसके मुखड़े पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हैं कि मानो काले बादल के। सुकुमार शिशु ही क्या है, चंद्रमा के समीप पीयूष पान करने के लिए पहुंच गए हैं। है? यहां कारण कोई वास्तविक नहीं होकर क्या है? कल्पना मात्र है। तो इतना लंबा चौड़ा, वो तो पहले से ही उसके घुंघराले बाल, कोई मतलब ही नहीं है। जबरदस्ती वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा मान लो। तो हम बोलते ना ख्याली पुलाव बनाने का काम, तालाब के किनारे बैठा हुआ आदमी, तुमने देखी होगी मूवी, कौन सी यार, वो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है और उसको बोलता है मूवी देखने जाओ, उसका हार्ट टच करता है और बोलता है ना मूवी देखने अमिताभ बच्चन की, तो अपने अब्बा को ही लेके चले जाना। तो कल्पना करने में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? अरे यार तुम लोग को कुछ मूवी नहीं देखते क्या तुम लोग यार? लेकिन याद नहीं आती है। चलो है ना, देखो इधर एक और देख लो, दो दो बार एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहां पर। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत रंद रंद मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सचंद। एक बात ध्यान रखो, टाइपिंग करते समय थोड़ा बहुत दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वाला एग्जाम्पल वापस यही लिखा हुआ, उससे कोई फायदा मिलेगा क्या? गिर रहे थे घुंघराले बाल, ये फिर से लिख दिया तो उसका कोई एग्जाम्पल मिलेगा क्या? जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना अपने को। मोर मुकुट की चंद्रिकानु यो राजत नंद रंद मनु शशि शेखर की अकस की शेखर चंद्र। अब पहली बात तो मनु आ गया, मनु आ गया मतलब कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। श्री कृष्ण भगवान जो है शंकर से ईर्ष्या करने के लिए अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा मोर मुकुट के रूप में धारण कर लिए, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का मोर मुकुट पहनने का यह कारण नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये सारे हो गए अपने पास में, कुछ कुछ और एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे, तुम लोग इसको अच्छे से कर लेना। और यहाँ पर अपना उत्प्रेक्षा अलंकार भी क्या होता है?
समाप्त होता है। इसकी कहानी क्या होती है, यहाँ समाप्त होती है, इतना ध्यान रखना। ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते अपने को।